Hi guys, welcome to my channel Fitness Facts, and today we're gonna talk about shin bone pain and tibia bone pain. So guys, as you can see in this picture, there are two types of bone in our leg. The first one is called tibia and the second one is called fibula bone. So guys, jo tibia bone hai ye hamare jo samne bone hoti hai, bilkul samne jo fibula bone hoti hai ye halka sa piche ki side ki taraf hoti hai. So guys, shin bone pain ki baat karte hain. Shin bone pain ya tibia bone pain jisko bol sakte hain, jo ki टीबिया बोन में होता है. सो गाइज, ये पेन क्यों होता है? सो गाइज, ये दो तरह के लोगों में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है. गाइज, फर्स्ट वन इज बिगिनर्स. गाइज, जो बिगिनर है, जो जिन्होंने दौड़ना रनिंग करना अभी शुरू किया है, और गाइज वो ज्यादा रनिंग करते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं. सो गाइज, वो ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा दौड़ सके. सो गाइज, लेकिन जो दौड़ने के चक्कर में क्या है, हमारी जो बोन होती है, जो टीबिया बोन है, गाइज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि टीबिया बोन होती है, वो जो हमारी बोन मैच्योर नहीं होती. टीबिया बोन नहीं मतलब कोई भी बोन ले लो जिसको आदत नहीं है किसी चीज की. सो गाइज, टीबिया बोन पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, जिससे आगे चल के ये प्रेशर पड़ने से ये टीबिया बोन फ्रैक्चर भी हो सकती है. आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो टीबिया बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी है. सो गाइज, फर्स्ट तो ये बिगिनर्स में पाया जाता है, और सेकेंड ये जो रनर्स होते हैं, जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ते हैं बिना रुके, जो लंबी लंबी ड्यूरेशन तक चलते रहते हैं, भागते रहते हैं. सो गाइज, ये जो बोन है, जितना ज्यादा इस पर आप प्रेशर डालोगे, गाइज जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी है 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक दौड़ने की, लास्ट इससे ज्यादा मेरे को पता है मैं नहीं दौड़ पाऊंगा. और गाइज, फिर भी मैं अगर दौड़ता रहा, मान लीजिए मैंने 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ा मैं बिना रुके, सो गाइज प्रेशर तो पड़ेगा ही, क्योंकि रनिंग में क्या है गाइज, ये नी और फुट के बीच के एरिया में रनिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर हमारी टीबिया बोन पर ही पड़ता है, टीबिया बोन पर, जिसका जिससे हमारे आगे जाके ये प्रेशर पड़ने से ये टूट भी सकती है. और गाइस, जैसे कि आपको पेन हुआ और आपने पेन को इग्नोर कर दिया कि अरे कुछ नहीं है, हम जाएंगे और दोबारा भाग के आ जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी. गाइस, ऐसा बिल्कुल भी ना करें. चाहे आप बिगिनर्स हो या आप रनर्स हो जो मैराथन वगैरह दौड़ते हो या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ते हो, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन जब भी आपको पेन हो, आपको अपने घर पर रुकने की जरूरत है. एंड दैट्स द करेक्ट टाइम यू नीड टू सी अ ऑर्थोपेडिस्ट. आपको ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना चाहिए अपने नजदीकी, उसको बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है. गाइस, एक दो दिन तो आप खुद रेस्ट ट्राई करके देखिए कि रेस्ट से पेन जा रहा है कि नहीं जा रहा. अगर नहीं जा रहा है सो दैट्स द करेक्ट टाइम यू नीड टू सी अ ऑर्थोपेडिस्ट, और आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. नहीं तो, और अगर आपने इस पेन को किया इग्नोर, तो गाइस आगे चल के आपकी ये टीबिया बोन है, इसमें फ्रैक्चर जरूर आ सकता है. और गाइस, आप पता कैसे लगाएंगे जो आपके पेन है वो टीबिया बोन पेन ही है, मसल पेन नहीं है? या फिर आप उसको नजरअंदाज ना करें कि मसल पेन है, किसी स्प्रे वगैरह से ठीक हो जाएगा. सो गाइस, इसको पता लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप अपनी फिंगर से टीबिया बोन पर ऐसे टक टक करके मारिए, तो आपको ऐसा लगेगा दैट समवन इज हिटिंग यू विद द हेल्प ऑफ द हैमर. सो गाइस, अगर आपको अपनी फिंगर से टक टक करने मारने पर ऐसा लगे जैसे कि बहुत ज्यादा तेज पेन हो रहा है, कि किसी ने हथौड़े से मार लिया मेरे को, टच करने पर भी पेन हो रहा है, सो गाइस सीधा समझ जाइए कि आपका जो बोन पेन है वो टीबिया बोन पेन है, आपके किसी भी मसल में पेन नहीं है. एंड दैट्स द टाइम यू नीड टू सी अ ऑर्थोपेडिस्ट. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, और ये पेन जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसमें हो जाएगा फ्रैक्चर. सो गाइज, यही थी मेरी वीडियो. और एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.